हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि होली आ गई है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, हम और भैया साथ में। कुछ होली का जो सामान होगा उसको हम खरीदेंगे और देखते हैं जो अच्छा लगेगा, वो जो पसंद आएगा वो हम खरीदेंगे होली के लिए। तो हम दोनों चलेंगे, तो अभी तो हम रूम पे ही हैं। और देखिए भैया अभी हमारे खरीद रहे हैं टोपी, मुर्गा वाला टोपी। और देखिए ये अभी जोकर की तरह मुर्गा के पहन के लिए हैं। और एक ये वाला ले लेते हैं, ऐसा कैसा जैसे मैं सोच रहे हैं। कैसा लग रहा है? जोकर लग रहे हैं, जोकर लग रहा है। देखते हैं अभी और कुछ। गाइस अभी तो मैं अभी पहुंचा हूं भाई। ऑटो से आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमेशा यदि बाइक से हम आते हैं तो उस समय क्या होता है कि बाइक से आने में ये सब पता होता है, अपनी बाइक है कहीं भी चले आओ। लेकिन जब ऑटो से आप आते हैं ना, ऑटो से मैं जब आता हूँ तो इसमें अब वे भी नहीं पता है कि कहाँ से पकड़ना है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और पैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा ही लग जाते हैं बाइक के कंपेरिजन में। तो अभी तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं, भूख लगी हुई है, तो सोच रहे थे कब से खाने के लिए, तो यहाँ पर हम समोसा और लिट्टी साथ में खा रहे हैं। तो यहाँ से पहले खा लेते हैं, उसके बाद तुरंत निकलेंगे हम। देखो नीलगाय दोस्तों, हम पहुँच तो गए लेकिन यार थकावट महसूस हो रही है। जस्ट अ मिनट बिफोर आई हैव रीच्ड माय होम, बस कुछ ही देर पहले मैं पहुँच। अरे यार वाह भाई, तू भी दिख रहा है। रिव्यू देंगे कटवाने के बाद एकदम प्रचार। क्या नाम है सैलून का? रॉयल हेयर कटिंग सैलून। देखिए परसोना में फेमस हो जाएगा, हम वीडियो बना रहे ना, रिव्यू देंगे सब लोगों को जाकर, बस अच्छे से काटिए। बैठो ना, सुनो आओ ना, पकड़ो ना भाई। हालांकि दोस्तों हम तो अभी दोस्त के पास आ चुके हैं, अभी जस्ट हमने सैलन से निकला, टोटल कंप्लीट करवा करके, और मनीष के पास आया हूं मैं, और छत पे हूं। और मुझे लगता है कि आज काफ़ी, मैं तो आया हूं ऑटो से ही, लेकिन काफ़ी आज टायर्डनेस हो गई है, मीन्स ज़्यादा थकावट हो गई है। हालांकि ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस ब्लॉग में आपको एक घटना मिली होगी कि मैं कुछ सामान देख रहा था होली के लिए, लेकिन बार्गेनिंग करते समय कुछ हुआ, जैसे कि हमने जितना बोला था वो ज़्यादा ही हो गया था, ज़्यादा ही बोल दिया था, क्योंकि जितना उन्होंने प्राइस बोला था, एक आंटी थी तो उन्होंने प्राइस बोला था 170 रुपीज़, और जब उनके हस्बैंड जी आए थे तो उन्होंने बोला कि ये तो 85 का ही हैं, और वो हमसे ये 170 ले रही थी, तो हमने छोड़ दिया, इसलिए हम नहीं ले पाए हैं उस सामान को, नहीं तो आपको इस व्लॉग में हम दिखाते हैं। खैर कल एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा। आज के इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नया है चैनल पर, तो और मिलते हैं हम कल के बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।